को मजा, सेथ रॉलिंस को सजा। आज दोस्तों मंडे नाइट रॉ में ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की चैंपियनशिप डब्ल्यू वालों ने इनडायरेक्टली सेव कर दी है। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, रैंडी ऑर्टन के प्लान्स लीक हो चुके हैं कि रिटर्न पर वो हील होंगे या फिर फेस और किस पर अटैक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों जॉर्जिया से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे हैं, जहां दोस्तों बताना चाहूंगा पूरी की पूरी रॉ में क्या पता चला है कि फिन बैलर पहले जैसे नहीं रह गए, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। सेथ रॉलिंस को वाकई में ट्रेथ है। हम लोगों को दोस्तों पता चला कि बैकी लिंच जो है इस वक्त सबसे ज्यादा मोमेंटम लेकर चल रही है, और हमें ये चीज भी पता चली है कि कोडी रोड्स डोमिनिक को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाले हैं इस बारी के मनी द बैंक में। तो शुरुआत में दोस्तों डोमिनिक की एंट्री के साथ हुई थी, जहां उन्हें इतनी ज्यादा बू मिलती है कि फिर रिया रिपली को ही माइक लेना पड़ जाता है। वहां दोस्तों रिया रिपली ही माइक पर बोलती रही, क्योंकि डोमिनिक को लोगों ने बोलने ही नहीं दिया। यहाँ दोस्तों रिया रिपली माइक पर यह चीज कह दी है कि डोमिनिक के बारे में चाहे तुम कुछ भी कहो, ये जो बंदा है कोडी को हराने वाला है, और ये चीज तुम लिख के ले सकते हो। आगे दोस्तों कुछ कह पाती, हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों कोडी की एंट्री। कोडी दोस्तों रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं कि डोमिनिक जो है काफी शक्तिशाली प्रहार करता है, लेकिन उसके बाद भाग जाता है। देख डोमिनिक, मैं अब जान चुका हूं कि तेरे पिता यानी कि रेनिस्टो क्या साबित करना चाह रहे थे। तू उनका आधा भी नहीं है, और रही बात तेरी, तो अगर तुझमें दम है तो मुझे सीधे सीधे आकर फेस करे, लेकिन मैं जानता हूं तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मनी इन द बैंक में मैं स्वयं तुझे मजा चखाऊंगा और बताऊंगा कि बेटे असली बाप की मार कैसी होती है। यहां दोस्तों वो उन्हें लिटिल बॉय कहकर संबोधित करते हैं, जिस पर दोस्तों डोमिनिक जो है थोड़ा सा गुस्साते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जाते हुए कोडी रोड्स उन्हें क्या चीज कहते हैं कि अच्छा तू जा रहा है, लेकिन आज मैं तेरे मित्र को सबक जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि मैं डेमिन को फेस करने वाला हूं। रे बात तेरी, तो तुझसे यही कहूंगा कि तेरे पास एक और मौका है, मैं तुझे फ्री शॉट देता हूं, मुझे आकर थप्पड़ जड़, जैसे कि तू जड़ता भी है, तुझे फ्री शॉट देता हूं। अगर तू वाकई में मर्द है तो यहां आकर ऐसा कर। जिस पर दोस्तों डोमिनिक वहां एक बारी को जाते भी है, लेकिन फिर एप्रन से लौट जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों कोडी कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं वाकई में अब कि क्या तू वाकई में अपने बाप का आधा है या फिर तो मामी का लिटिल बॉय है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने बिल्कुल गुस्सा दिला दिया था डोमिनिक को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो डोमिनिक के दोस्तों जाने के बाद तो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे शिव के नागामुरा का मैच। शांसका नागामुरा दोस्तों आज हमारे फेस कर रहे थे रिकोशे को। आप जानते हैं दोस्तों रिकोशे, शिंसुके नाकामुरा और रीड का चला हुआ है, हालांकि ये तीनों मनी द बैंक का पार्ट है, लेकिन इनका अपने में चला हुआ है। यहाँ दोस्तों आज जो मैच था वो रिकोशे एंड शिंसुके का था। मैच के बीच में दोस्तों रीड जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ रेफरी दोस्तों उन्हें भेज देता है बैक स्टेज, जिसके बाद मैच क्लीन होता है। इस क्लीन मैच में दोस्तों रिकोशे की जीत हुई, जहाँ शूटिंग स्टार प्लस लगाकर दोस्तों उन्होंने पिन कर दिया दोस्तों शिंसुके नाकामुरा की। तो शूटिंग स्टार प्रेस से दोस्तों यहाँ रिकोशे की जीत हुई, जो कि काफी अच्छी चीज है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैक स्टेज रीडल एंड काइजर की भिड़ंत हो जाती है। इस भिड़ंत में दोस्तों काइजर को किमोरा लॉक फंसाने वाले होते हैं, लेकिन वहां गंथर आकर उन्हें फिर से टांग से इंजर्ड कर देते हैं। तो अटैक कंटिन्यू है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे अपने डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिपली है गाइस, वो एडम पेट से जाकर मिलते हैं और मैच की डिमांड करते हैं, जहां दोस्तों डोमिनिक के दिमाग में एक कंपोनेंट था जो कि रिया उन्हें बताती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है हमारी रैक्वल का मैच। रैक्वल एंड दोस्तों जो हमारी अपनी रोंडा राउजी है ना, उनका ये मैच हुआ है। सच्ची बात बताऊं, मैच के अंदर रैक्वल का लग रहा था कि जीतेगी, लेकिन एंड में दोस्तों जो शेना है एंड जो लिव मॉर्गन है उनकी भसड़ में दोस्तों डिस्ट्रैक्ट हो गई रैक्वल, और उन्हें एक यूनिक सी पिन फॉल में ले लिया रोंडा ने। रोंडा इसमें जीत गई है। अब गाइस फिन बैलर एक बंद कमरे में प्रोमो काट रहे हैं। फिन बैलर ये चीज कह रहे हैं कि आज से 7 साल पहले मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था रॉलिंस ने। साल था 2016 और पेपर व्यू था समर स्लैम, उसने मेरा शोल्डर इंजर्ड किया और मेरे साथ काफी ज्यादा गलत किया। हाँ, अब जब मैं लौटा हूं तो मैं लौटा हूं जजमेंट डे के साथ, और मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं और काफी ज्यादा बुरा भी। रही बात इस बारी के मनी द बैंक के, तो वहां मैं ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर रहूंगा और 7 साल पुराना बदला लेकर रहूंगा। अब सेथ रॉलिंस की एंट्री होगी। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर ये चीज कहते हैं कि जॉर्जिया वेलकम टू मंडे नाइट शो। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि फिन बैलर आज नहीं है, वो बंद कमरे से बहुत सी चीजें कह रहा है, बात कर रहा है 7 साल पुरानी, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा फिन, तू कह रहा है कि तू अब पहले से ज्यादा बुरा हो चुका है, मैं पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका हूं, एंड तू खुद को स्ट्रांग कह रहा है और तूने अटैक करके साबित किया है तू अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन
यू आर नॉट विजनरी, यू आर नॉट रेवोल्यूशनरी, यू आर नॉट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिस पर उन पर 200 अटैक हो गया। पीछे से 200 फिन ने अटैक कर दिया चेयर के साथ, जहां 200 गुत्थमबाजी होती है, बाहर 200 चेयर छूट जाती है। इस गुत्थमबाजी में क्या चीज देखने को मिलती है कि दूसरी चेयर वो ग्रैब करने वाले थे कि रिंग साइड पर बैठे हुए कार्मेलो हेज, जो कि एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियन है, उनकी चेयर छीन लेते हैं और फिर 200 वहां से फिन को भागना पड़ जाता है। सेथ रॉलिंस के चेहरे से हल्का सा खून भी निकलता है सेगमेंट में, जिसका मतलब साफ था कि आगे चीजें और भी गर्माने वाली है। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिला कि गाइज जो हमारे अपने डमीज है ना, उन्होंने अटैक कर दिया टोमासो चैंपा के ऊपर मैच से पहले ही, रैम के ऊपर उन्हें फोड़ दिया, मैच हो ही नहीं पाया। अब गाइज एक और सेगमेंट देखने को मिला बैक स्टेज, जिसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने ओवंस एंड सेमी है कन्फ्रंट करते हैं इंपीरियम को, जहां दोस्तों ओवंस पूछते भी सेमी से कि हम इनसे बात क्यों कर रहे हैं। सेमी कहते हैं इन्होंने हमारे दोस्त को मारा है, यानी कि रिडल को मारा है, जिस पर दोस्तों में बातें बातों में तकरार देखने को मिलती है और मैच दोस्तों यहां कंफर्म हो जाता है गंथर बनाम सेमी जेन। तो चैंप वर्सेस चैंप एक तरीके का मैच हो गया था कंफर्म। अब डोमिनिक आ चुके हैं, पता नहीं है डोमिनिक का जो ओपोनेंट है कौन होगा। तो इन्होंने दोस्तों चूज किया तोजावो, क्योंकि तोजावो की हिस्ट्री रही है रिया से, और रिया से दोस्तों काफी ज्यादा डरते भी है। और ऐसे ही कुछ हुआ मैच के मिडिल में, दोस्तों एक जगह पर बिल्कुल दोस्तों फ्रीज हो गए, और उसके बाद दोस्तों डोमिनिक ने उन्हें स्प्लैश लगाकर पिन कर दिया, मैच के बाद भी मारा। और यहाँ दोस्तों डोमिनिक ने बता दिया कोडी को कि वो भी कमजोर नहीं। अब गाइस हम लोगों को वुमेन्स का समिट देखने को मिल रहा है, सारी सारी महिलाएं दोस्तों आ चुकी है रिंग के अंदर, और गाइस एक एक करके माइक पर ये कुछ ना कुछ कही जा रही है एक दूसरे को, हमें चीज देखने को मिल रही। सबसे ज्यादा सपोर्ट वहां बैकी लिंच के लिए था, जनता बैकी की चैंट लगा रही थी। ट्रिश कहती है कि रोस्टर को उनकी जरूरत है, और इस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, बैकी की फिर से बेइज्जती करती है और बैकी दोस्तों उन पर अटैक कर देती है, और सभी के बीच गुत्थमबाजी हो जाती है। इयो स्काई दोस्तों मूसाव लगाती है सारी महिलाओं के ऊपर, और सारी सारी ध्वस्त। बैकी दोस्तों वहां रिंग के अंदर थी, उन्होंने चेयर वो लगाई दोस्तों लैडर और चढ़ी उसके ऊपर, और मैंने जैसा आपको बताया था कि वहां टीज किया जाएगा किसी महिला के द्वारा मरिंदा बैकी जितना, तो बैकी ने दोस्तों वहां टीज किया है, उन्होंने ब्रीफ केस निकाला। बात की जाए इसके बाद क्या, और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज देखी है वो था बैकी एंड रिया का बैकस्टेज सेगमेंट। तो बैकस्टेज रिया कहती है मेक श्योर तुम वहां नहा जीतो, क्योंकि फिर तुम्हारा जो कैशियन है फेल हो जाएगा। यहां दोस्तों जो बैकी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बजाय इसके अगर मैं जीतती हूं तो तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों को गंधर्व वर्सेस सेमी देखने को मिल रहा है, मैच वॉज गुड। मैच के अंदर दोस्तों होता क्या है कि एंड में जो विंची है, जो कि दोस्तों हल्का सा इंजर्ड बताया जा रहा था, शायद से फेक कर रहा था, उसने दोस्तों बेसाखी मारी है सेमी के गले के ऊपर, और उसके बाद दोस्तों गंता ने उन्हें पाव बम लगाकर पिन कर दिया। आफ्टर द मैच दोस्तों ओवंस बचाने की कोशिश करते हैं अपने भाई को, लेकिन फिर दोस्तों उन पर ये तीन भारी पड़ते हैं। हम लोगों को रिडल की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि उसी बेसाखी के साथ सभी की तगड़ी तोड़े, और गाइस गंतर को भी दो तीन शॉट लगे, तो वहां से फिर इन तीनों को भगना पड़ गया है। अब गाइज हम लोगों ने जो अगली चीज देखी है गाइज वो था नटालिया का सेगमेंट। नटालिया ने बैकस्टेज दोस्तों रिया रिप्ली के ऊपर शॉट लिए, चीज बोली कि रिया का टाइम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, लेकिन जल्द मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। अल्फा अकेडमी ने वाइकिंग रेडर्स के ऊपर शॉट लिए बैकस्टेज और कहा ए थैंक यू। अब गाइज हम लोगों ने देखा है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था हमारे अपने फिन बैलर का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों कार्मेलो हेज को। सच्ची बात बताऊं इसके अंदर मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियन है वो डोमिनेट हो गए, फिन ने दोस्तों उन्हें कुरकड़ा लगाया और 1, 2 और 3 उनकी पिन कर दी। फिन बैलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे गाइज, आज बता दूं फिन बैलर ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया इस मैच के अंदर, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये चैंपियन है एनएक्सटी का, तो फिन बैलर दोस्तों आप हल्के में नहीं ले सकते। फिन बैलर ने आज बता दिया है कि वो तगड़ी टक्कर देने वाला है सेथ रॉलिंस को। चलिए जाओ दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था उससे बड़ी दोस्तों खबर है, तो उसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि रोमन रेंस का टाइटल जो है सिक्योर हो गया। मनिंदा बैंक से पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक ऐसी चीज कर दी है जिसे साफ हो गया है कि कैश इन दोस्तों सेथ के ऊपर ही होने वाला है, प्लस रैंडी ऑर्टन पर भी अपडेट है। तो मेन इवेंट की बात करते हैं हल्की सी। तो गाइज मेन इवेंट था हमारे अपने डेमियन प्रीस्ट का, जो कि कोडी को फेस कर रहे थे। मैच के एंड में दोस्तों जो डोमिनिक बार बार इन्वॉल्वमेंट करते हैं, एक जगह पर दोस्तों चॉक स्लैम भी लग जाता है कोडी को, लेकिन वो किक आउट कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों उल्टा डोमिनिक को ही एपरन के ऊपर शॉट लग जाता है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से, और गाइज हाँ कोडी की चलाकी दिखी और उसके बाद उन्होंने क्रैश लॉक लगाकर पिन कर दिया। मैच के बाद दोस्तों डोमिनिक ने हालांकि चीप अटैक किया फिर से कोडी रोड्स के ऊपर और वहां से फिर भग गए हैं। तो गाइस इस तरीके से रॉ खत्म हुई है, और काफी अच्छे से कोडी एंड गाइस डोमिनिक की जो राइवलरी है उसे बिल्ड किया। बट गाइस आपको बताना चाहूंगा, रैंडी ऑर्टन जब रिटर्न करेंगे तो अपने मित्र अपने भाई पर अटैक कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को मेंशन किया गया, और गाइस बताया ये जा रहा है कि आर के ब्रो ओवर हो जाएगी ऑर्टन की वापसी के साथ। यहाँ डिस्कशन है कि रिडल वर्सेस ऑर्टन करवाया जाए, दे इज नो प्लान कि गाइस रैंडी ऑर्टन को हील ही लाया जाएगा, लेकिन अगर वो रिडल के ऊपर अटैक करते हो एज ए हील ही करेंगे। तो गाइज अब चांसेस हाई हो चुके हैं कि रोमन के पीछे ना जाकर दोस्तों
जो ऑटन है वो अपने भाई को पिटेंगे। और इसीलिए दोस्तों ने वाइपर कहा भी जाता है, क्योंकि हमेशा से दोस्तों आपने देखा है कि जो भी उन पर विश्वास करता है एंड में हार क्यों खाता है। बात कर लेते ट्राइबल चीफ के टाइटल सिक्योर होने की, तो काफी बड़ी अपडेट निकली है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मनी इन द बैंक कैश इन है ना, वो होगा सेथ के ऊपर। इससे पहले एक खबर पुख्ता नहीं लग रही थी, लेकिन डब्ल्यू वालों ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक नया पोस्टर निकाला जिसके अंदर सेथ रॉलिंस को दिखाया जा रहा है। सेथ रॉलिंस ने ब्रीफ केस पकड़ा, ब्रीफ केस के अंदर सेथ रॉलिंस की ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। माना दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों ने साफ कर दिया कि जो भी जीतेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही बनेगा, ना कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। तो हाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों से बड़ी गलती हो गई है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी अभी न्यूज ब्रोक हुई है। और गाइज अगर आप वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो ना, लाइक करके छोड़िएगा, नए तो सब्सक्राइब करके छोड़िएगा। वेल दोस्तों रोमन रेंस का टाइटल से क्योर से बड़ी बात क्या हो सकती है उनके फैंस के लिए, तो यहाँ दोस्तों मैं ये चीज जरूर चाहूंगा। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।